हेलो ट्वेल्थ क्लास, मैं अभिषेक सर, जेपीएस एजुकेटर। बच्चों, आज किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, इस चीज को सीखना है यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखो बेटा, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन दो तरीके से होता है, एक रो वाइज या दूसरा कॉलम वाइज। या तो मैं किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स को रो वाइज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता हूं या तो कॉलम वाइज। तो रो वाइज करना होता है बेटा, तो इसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं। ए कोई मैट्रिक्स है, ए इज इक्वल टू आई इंटू ए। अगर रो वाइज हम लोगों ने काम करना है तो आई पता है आपको क्या है, आई हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। एंड बच्चा अगर कॉलम वाइज करना होता है तो इसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, ए इज ए आई, ए इज ए आई। सबसे पहले बेटा 2x2 के मैट्रिक्स का एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन सिखाऊंगा, इसके बाद 3x3 का भी सिखाऊंगा। बहुत ही आसान है ये, बट कुछ रूल एंड रेगुलेशन को ध्यान में रखना है। तो पहले 2x2 मैट्रिक्स का मैं वर्किंग रूल देने जा रहा हूं आपको। सपोज मेरे पास कोई भी 2x2 मैट्रिक्स ए बी सी एंड डी के फॉर्म में है, शॉर्टकट मेथड भी है इसके। फिलहाल मैं आपको इसका प्रॉपर तरीका सिखाता हूं, सीबीएसई में कैसे सॉल्व करना है। मैं जिस स्टेप को बोल रहा हूं ध्यान में रखने बेटा, उसको ध्यान रखना, बहुत ही आराम से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहला काम क्या करना है, स्टेप नंबर वन करना है बच्चे, ए की जगह पर जो भी एलिमेंट होगा उसको आपने वन बनाना है, वन में कन्वर्ट करना है। और वन करने के लिए बेटा, उसको वन में कन्वर्ट करने के लिए एक ही बात का ध्यान रखना, जो भी डिजिट होगा उसको उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देना, उस डिजिट को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देना। सिमिलरली मैं आगे बढ़ूंगा बेटा स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 2 जो होगा बेटा मेरा, वो सी को 0 करना है, और 0 हमेशा 1 के हेल्प से करना है बेटा, विद द हेल्प ऑफ 1। इसके अलावा कोई दिमाग नहीं लगाना, कुछ नहीं सोचना, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व होता चला जाएगा। 0 करने के लिए बेटा 1 का हेल्प लेते हैं। स्टेप नंबर 3 हमारा, डी को हमने 1 करना है, डी को 1 बनाना है, और 1 बनाने का वही रूल, उस डिजिट को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना, एंड स्टेप नंबर 4 जो होगा बेटा मेरा, वो बी को होगा 0 करना, और 0 करने का वही रूल जो अभी बताया आपको, हमेशा 1 का हेल्प लेना, विद द हेल्प ऑफ 1। चार बातों को ध्यान रखना, इसी कॉन्सेप्ट पे 3x3 मैट्रिक्स पे भी काम करेंगे हम लोग। फिलहाल मैं इस पर एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं। सपोज मेरे पास कोई मैट्रिक्स है और उसका इनवर्स निकालना है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से, तो कैसे फाइंड करेंगे आइए देखते हैं। वो मैट्रिक्स है बेटा मेरे पास, सपोज वो मैट्रिक्स ए मेरे पास है बच्चे, ए मैट्रिक्स है मेरे पास 2, 3, 5 एंड 7, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 4, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात कर रहा हूं। फिलहाल ये 2x2 मैट्रिक्स देख रहे हो, इसका इनवर्स फाइंड करना है। तो आ जाओ, पहला रूल क्या कहता है हमारा, पहला रूल कहता है बेटा 2 को 1 में कन्वर्ट करना है। सबसे पहली बात मैं यहां लिखूंगा, आप इसको रो वाइज काम करने जा रहे हो या कॉलम वाइज, तो मैं फिलहाल रो ट्रांसफॉर्मेशन सिखा रहा हूं आपको, तो फिलहाल आप रो ट्रांसफॉर्मेशन सीखो। और रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए फॉर्मूला क्या दिया, ए इज इक्वल टू आई इंटू ए, ए इज इक्वल टू आई इंटू ए। ये लिखते ही बात समझ में आ जाएगी कि आप रो वाइज काम करने जा रहे हो। ए मैट्रिक्स क्या है बेटा मेरे पास, ए मैट्रिक्स है जी 2, 3, 5, 7, इसको ऐसा ही रहने दिया। एंड आई मैट्रिक्स है बच्चे मेरे पास 1, 0, 0, 1, 2x2 मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं, इसलिए मैं 2x2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिया यहां पर। सबसे पहली बात, मैं रो वाइज काम करने जा रहा हूं बेटा, एक कंफ्यूजन को दिमाग से निकाल देना। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, लेफ्ट राइट ऑपरेशन करूं या अप डाउन ऑपरेशन करूं, याद रखना बेटा हमेशा रो वाइज ऑपरेशन करने का मतलब अप डाउन ऑपरेशन करना, अप डाउन ऑपरेशन करना ही हमारा बेटा रो ऑपरेशन कहलाता है। इस बात को दिमाग में आप अच्छे तरीके से डाल लीजिए, अप डाउन ऑपरेशन करने का मतलब कौन सा ऑपरेशन करने जा रहा हूं मैं रो ऑपरेशन करने जा रहा हूं। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, पहला काम क्या है, तो पहला काम है हमारा 2 जो दिख रहा है, इस 2 को
वन में कन्वर्ट करना है बच्चे। टू किसका एलिमेंट है बेटा? आर वन का। टू इज द एलिमेंट ऑफ आर वन। आर वन पर क्या ऑपरेट करने जा रहे हो? तो आर वन के एलिमेंट का जो टू वाला एलिमेंट है इसको वन करना है बेटा। तो अभी मैं सिखाया आपको पीछे रूल, वन करने के लिए डिजिट को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो टू का रेसिप्रोकल क्या होगा बच्चे? वन बाय टू। तो सारे के सारे एलिमेंट को मैं वन बाय टू से मल्टीप्लाई कर दूंगा, लेफ्ट हैंड साइड से लेकर राइट हैंड साइड तक। मेरी बात को ध्यान से सुनना एंड इस वीडियो को साथ के साथ लिखना भी देखना भी। टू को वन बाय टू से मल्टीप्लाई किया बेटा, वन हो गया हमारा। थ्री को वन बाय टू से मल्टीप्लाई किया बच्चे, थ्री बाय टू हो गया। वन को वन बाय टू से मल्टीप्लाई करूंगा, वन बाय टू हो जाएगा। जीरो को वन बाय टू से मल्टीप्लाई करूंगा, जीरो हो जाएगा। बाकी सारे एलिमेंट को एज इट इज कॉपी कर लेना बच्चे। पहला काम, पहला स्टेप हमने अपना कंप्लीट कर लिया। अब दूसरा स्टेप होगा बेटा हमारा फाइव को जीरो बनाना। फाइव को जीरो बनाना, और जीरो बनाने के लिए बेटा एक ही रूल बताया, हेल्प लेते हैं वन का। तो पहली बात कि मैं यहाँ रो ऑपरेशन कर रहा हूं तो ऊपर जाऊंगा, फाइव के ऊपर जो वन है उसका हेल्प लिया जाएगा। मेरी बात को सुनना ध्यान से, फाइव किसका एलिमेंट है बच्चे? आर टू का। आर टू टेंड्स टू या आर टू ऑपरेट्स, इस बात का हमेशा ध्यान रखना, जीरो बनाने वाले केस में अगर डिजिट प्लस के साथ हो बेटा तो यहां माइनस लिखना, अगर यहां माइनस हो तो यहां प्लस लिखना। यहां प्लस था बच्चे, मैंने माइनस लिखा, किसका हेल्प लेगा ये? वन का हेल्प लेगा। तो वन को मैं फाइव से मल्टीप्लाई करूंगा तभी जाके ये जीरो हो पाएगा। वन को फाइव से मल्टीप्लाई करना मतलब आर वन के एलिमेंट को फाइव से मल्टीप्लाई करना। देखो बेटा क्या हो गया मेरे पास, अब बिल्कुल ध्यान से देखना। बच्चे इस टॉपिक से बहुत ज्यादा डरते हैं, टू बाय टू सीख लो, फिर अगले वीडियो में थ्री बाय थ्री भी अपलोड करूंगा। फिलहाल आर वन पे कुछ नहीं करना आपको, आर वन के सारे एलिमेंट को एज इट इज कॉपी कर लो बेटा। आर टू टेंस टू आर टू माइनस फाइव आर वन, फाइव माइनस फाइव इंटू वन दैट इज फाइव माइनस फाइव इज जीरो। सेवन माइनस फाइव इंटू थ्री बाय टू, सेवन माइनस फिफ्टीन बाय टू, सेवन माइनस फिफ्टीन बाय टू इज माइनस वन बाय टू। आप कैलकुलेशन साइड रफ में कर सकते हो, जीरो माइनस फाइव इंटू वन बाय टू माइनस फाइव बाय टू, वन माइनस फाइव इंटू जीरो वन। चलो बेटा यहां तक तो काम कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद थर्ड स्टेप जो होगा बच्चे हमारा वो होगा माइनस वन बाय टू को वन बनाने का। माइनस वन बाय टू दैट इज आर टू का एलिमेंट है बेटा ये, इस एलिमेंट को वन करना है। और वन करने के लिए मैं सिखाया उप डिजिट को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो माइनस वन बाय टू का रेसिप्रोकल यानी उल्टा क्या होगा बेटा? माइनस टू। माइनस टू से इसको मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, किसको भाई? तो आर टू के सारे एलिमेंट को माइनस टू से मल्टीप्लाई कर दूंगा। आ जाओ बेटा ध्यान से देखो, आर वन की जगह पर कुछ नहीं करना, तो आर वन के सारे एलिमेंट को ऐसे ही कॉपी कर दिया। आर टू इंटू जीरो इंटू माइनस टू दैट इज जीरो, माइनस टू इंटू माइनस वन बाय टू प्लस वन प्लस वन, माइनस फाइव बाय टू इंटू माइनस टू, टू टू कैंसिल फाइव, वन इंटू माइनस टू माइनस टू। आखिरी स्टेप तक हम लोग पहुंचने वाले हैं। अब जो बेटा हमारा काम होगा वो थ्री बाय टू को जीरो करना होगा। तो आ जाओ बेटा थ्री बाय टू को अब जीरो करने जा रहा हूं। तो देखो थ्री बाय टू को जीरो कैसे करता हूं, सेम वही रूल, सब कुछ वैसा ही रहेगा। पहले मैं इस लास्ट वाले स्टेप को बच्चे कॉपी कर ले रहा हूं। तो लास्ट वाला स्टेप क्या है मेरे पास? तो लास्ट वाला जो स्टेप आया है बेटा मेरे पास कुछ इस तरह का आया है, वन थ्री बाय टू, वन थ्री बाय टू, जीरो वन, और राइट हैंड साइड में बच्चे हमारे पास हाफ जीरो फाइव माइनस टू इंटू ए। आइए अब कुछ नहीं करना, थ्री बाय टू को बेटा थ्री बाय टू को जीरो करना है बच्चे, थ्री बाय टू को जीरो करना है। और जीरो करने के लिए मैंने सिखाया वन का हेल्प लेते हैं। फिर बच्चे यहां कंफ्यूज होते हैं कौन से वाले वन का हेल्प लूं, लेफ्ट वाला या नीचे वाला। तो पहली बात कि आप कौन सा ऑपरेशन कर रहे हो, रो वाइज या कॉलम वाइज? आप रो वाइज ऑपरेशन कर रहे हो, तो रो वाइज ऑपरेशन में हमेशा बेटा अप एंड डाउन काम करना है, लेफ्ट राइट देखने या सोचने की जरूरत भी नहीं है। तो थ्री बाय टू को आप जीरो करने जा रहे हो यानी आर वन के एलिमेंट को जीरो करने जा रहे हो बेटा। आर वन मैं भी सिखाया, जीरो करने के लिए अगर डिजिट हमारा प्लस में होता है तो माइनस लिखना, माइनस में होता है तो प्लस लिखना। मैं देख रहा हूं मेरे पास प्लस थ्री बाय टू है तो बेटा मैं यहां लिखूंगा माइनस माइनस। इस वन का हेल्प लेना है, इस वन को थ्री बाय टू से मल्टीप्लाई करना होगा बेटा, तभी वो एलिमेंट हमारा जीरो हो सकता। और ये वन हमारा आर टू का एलिमेंट था, मैंने ऐसा बोला आर वन टेंस टू आर वन माइनस थ्री बाय टू टाइम्स ऑफ आर टू। आ जाओ बेटा आंसर के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं हम लोग, आर वन के एलिमेंट को चेंज करने जा रहा हूं, ये ध्यान रहे।
R1 के एलिमेंट को चेंज करने जा रहा हूं। सबसे पहला काम R2 के सारे एलिमेंट को कॉपी कर दूंगा, इससे किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना हो। 1 minus 3/2 into 0 दैट इज 1, 3/2 minus 3/2 into 1 दैट इज 0, 1/2 minus 5 into 3/2, 1/2 minus 15/2 दैट इज -14/2, -14/2 इज -7, 0, माइनस माइनस प्लस, 3/2 into 2, 2 कैंसिल, क्या बचा मेरे पास बेटा 3। काम हमारा कंप्लीट हो चुका। लेफ्ट हैंड साइड वाले मैट्रिक्स को मैं आई मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल सकता हूं, और ये बेटा मेरे पास -7, 3, 5, -2 into A। राइट वाले ए को आप लेफ्ट में ले आओ, मैं देख रहा हूं राइट वाले ए का मतलब ए का पावर 1 है बेटा, लेफ्ट में आ जाएगा ये तो ए की पावर -1 बोलेंगे इसको। ये ए का पावर 1 था बच्चे, लेफ्ट में लाया इसको ए की पावर -1 बोला। इक्वल टू क्या है बेटा मेरे पास -7, 3, 5, -2। एंड ए इनवर्स, अगर ए हमारा कोई मैट्रिक्स है बच्चे तो ए इनवर्स भी मैट्रिक्स ही कहलाएगा, और किसी भी मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए मैं बोल सकता हूं ए इनवर्स इंटू आई इज ए इनवर्स। एंड ए इनवर्स की वैल्यू आ गई मेरे पास -7, 3, 5, -2 इज योर फाइनल आंसर। ये तो था बेटा एक लॉन्ग मेथड मैं आपको सिखाया, फिलहाल इसके शॉर्टकट मेथड को भी मेरे साथ के साथ देख लो। शॉर्टकट मेथड क्या है बच्चे, ध्यान से देखना। अगर बोर्ड एग्जाम के अंदर ये 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाए बेटा तो आप शॉर्टकट मेथड यूज करना, अगर 1 नंबर में नहीं आए तो शॉर्टकट मेथड यूज नहीं करना। इनवर्स फाइंड करना था जी 2, 3, 5 और 7 का, 2, 3, 5 और 7 का, मेरी बात को सुनना ध्यान से। इनवर्स फाइंड करने में इस वाले एलिमेंट में कोई चेंज नहीं होता, ना इसके पोजीशन में, सब कुछ एज इट इज रहेगा, ये 3 और 5 ऐसे ही कॉपी कर दिया। एंड ये वाला जो एलिमेंट देख रहे हो बेटा 2 और 7, जिसको आप डायगोनल एलिमेंट बोलते हो, तो इसको आपस में इंटरचेंज करना और साइन को चेंज करना बेटा। अगर प्लस था तो माइनस लिखना, माइनस है तो प्लस लिखना। मैं देख रहा हूं दोनों का दोनों वैल्यू हमारा प्लस था तो हमने यहां माइनस कर देना बेटा। ये था हमारा शॉर्टकट मेथड। अगले वीडियो में बेटा मैं 3/3 का वर्किंग रूल बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बाय रो ऑपरेशन अपलोड करूंगा। फिलहाल 2/2 मैट्रिक्स के इनवर्स को फाइंड करने का जो मैं तरीका आपको बताया, ये तरीका बहुत ही ज्यादा यूजफुल था। दिमाग में रखना बेटा पहले ए को 1 करना है, 1 करने के लिए बेटा हमेशा याद रखना उस डिजिट को उसके रेसिप्रोकल से ही मल्टीप्लाई करना है। 0 करने के लिए हमेशा 1 का हेल्प लेना है, और ध्यान रखना है 0 वाले टाइम में डिजिट अगर प्लस में है बच्चे तो माइनस लिखना है, माइनस में है तो प्लस लिखना है। सिमिलरली 1 करने के लिए बेटा उसको रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है, और 0 करने के लिए वाकई पहले की तरह 1 का हेल्प लेना है, अगर प्लस में है तो माइनस लिखना, माइनस में है तो प्लस लिखना। अगले वीडियो में बेटा मैं 3/3 मैट्रिक्स का वीडियो अपलोड करूंगा, 3/3 मैट्रिक्स का मैं वीडियो अपलोड करूंगा। फिलहाल एनसीईआरटी से 2/2 के जितने भी हैं 2-4-5 क्वेश्चन को आप लॉन्ग मेथड से, जो ये वर्किंग रूल है हमारा, और 2-4-5 क्वेश्चन को आप शॉर्ट मेथड से सॉल्व करना, प्रैक्टिस करना। थैंक यू।